हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज भवानी सिंह कहलावत एंड यूर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बीएस कहलावत। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अभी तक हम इस पर टोटल 11 लेक्चर कर चुके हैं और आज का लेक्चर जो है वो 3.12 है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आज हम किस पर न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको याद होगा इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैं आज डेरिवेशन करा रहा हूं और इस डेरिवेशन के जो बेस्ट न्यूमेरिकल होते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो आपको याद होगा मैंने उसमें दो टॉपिक पढ़ाए थे आपको, आवेशों की स्थैतिज ऊर्जा या आवेशों के निकाय के कारण स्थैतिज ऊर्जा। ठीक है, मैंने दो आवेशों की स्थैतिज ऊर्जा बताई थी, के Q1 Q2 अपॉन R आया था वो। ठीक है, और इसी तरह से मैंने चार आवेशों के निकाय के कारण स्थैतिज ऊर्जा बना ज्ञात की थी। चार आवेशों के कारण स्थैतिज ऊर्जा निकाली थी, उसके हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस बने थे। ठीक है, और वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास कोई चार आवेश है Q1 Q2 Q3 और Q4, तो Q1 से आप कहां कहां जा सकते हो, तो Q1 से मैं Q2 पे जा सकता हूं, Q1 से Q3 पे जा सकता हूं, Q1 से Q4 पे जा सकता हूं, तो 3 कॉम्बिनेशन तो ये हो जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे Q2 पर, तो Q2 से Q3 पर जा सकते हैं, Q2 से Q4 पर जा सकते हैं, 2 कॉम्बिनेशन, ये 3 और 2 हो गए 5। और एक लास्ट कॉम्बिनेशन कैसा बना था, 1 हो गया 2 हो गया, तो 3 से आप कहां जा सकते हो, तो 3 से हम 4 पे जा सकते हैं, तो ये लास्ट वाला कॉम्बिनेशन। इस तरह से उसके 6 कॉम्बिनेशन बने थे। फाइन, अब हमको करना है इस पे न्यूमेरिकल। वैसे अगर आपको ये जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, अगर उनके एक्सप्रेशन याद नहीं है तो भी हमारा काम हो जाएगा। आपको सिर्फ दो आवेशों के कारण स्थैतिज ऊर्जा याद रखनी है, वो कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन R। फाइन, अब देखो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। पहला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो क्या है, 2 प्रोटोन 6×10^-15 मीटर दूरी पर रखे। एक प्रोटोन है, एक दूसरा प्रोटोन है, उसके बीच की दूरी 6×10^-15 है। प्रोटॉन की अन्योन्य स्थिर विद्युत स्थैतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात कीजिए। कुल मिला के आपको स्थैतिज ऊर्जा निकालनी है और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो भी ऊर्जा की एक इकाई होती है, क्लियर है। तो अभी जो देखो दो आवेशों की स्थैतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो हमको पता है U=K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, बताओ K कितना है, 9×10^9। ठीक है, K की वैल्यू यही होती है। Q1 कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश 1.6×10^-19, दूसरा भी प्रोटॉन है तो 1.6×10^-19, और R कितना है, 6×10^-15। बस इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेशन में यहां 19-20 हो सकता है, आप इसको आराम से घर पे बैठ के कैलकुलेशन सही कर लेना। ठीक है, 9×1.6×10^-19 और ये ऊपर जाएगा प्लस का 15 अपॉन 6। ठीक है, अब देखो 9 को 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 23 जो भी आएगा, 23.04 के नियर अबाउट आ जाएगा। ठीक है, आप इसका एग्जैक्ट देख लेना कितना आता है, ये 90 और 90 -38 और 15 और 9 +24। ठीक है, तो जब आप 23 में 6 का भाग दोगे तो 3.384 आएगा और ये आ जाएगा 38 में से 24 माइनस करो, ठीक है, तो -14 बचेगा और ये आंसर आपका आ रहा है जूल में। किसमें आ रहा है, जूल में। हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6×10^-19 करोगे तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3.8 में 1.6 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.4×10^-14+19 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी आ जाएगी या ऊर्जा आ जाएगी मेरे पास 2.4×10^ तो कितना बचा है 19 में से, ठीक है, तो ये 5 बचेगा प्लस का और आंसर किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएंगे, क्लियर है।
तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया, बहुत इजी था। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है। यहां पर आपको दोनों आवेश प्रोटॉन दे रखे हैं और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 8.6 × 10⁻¹⁹ प्लस में होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर सेकंड पर। ठीक है, देखिए चित्र के अनुसार तीन आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, उनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। कुल मिला के इन तीनों युग्म के कारण हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। दो आवेशों का मुझे पता है, चार आवेशों का भी हमने कल लास्ट वाले लेक्चर में डेरिवेशन में किया था। अगर याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, क्यू आपको दे रखा, ये आपको ए दे रखा है। मुझे बताओ ये आपका पहला आवेश है, तो आप बताओ स्थितिज ऊर्जा पहले वाले की वन से कहां जा सकते हो, बताओ वन से टू पे जा सकते हैं और वन से कहां जा सकते हैं, वन से थ्री पर जा सकते हैं। वन कंप्लीट हो गया, अब जाओ टू पे। अब टू से कहां जा सकते हो, सिर्फ थ्री पर, तो टू से कहां जा सकते हैं, थ्री पर। ये तीनों कॉम्बिनेशन हो गए, क्लियर है। याद रखने का तरीका, वन से वन पे आ जाओ और वन से टू पे जा सकते हो, वन से थ्री पे जा सकते हो, तो वन से टू पे, वन से थ्री पर। वन कंप्लीट हो गया, अब टू पे आ जाओ, अब टू से कहां जा सकते हो, थ्री पर, खत्म। ये तीनों कॉम्बिनेशन। तो देखो पहला वाला कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू आर वन टू वन और टू। ठीक है, के क्यू वन क्यू थ्री आर वन थ्री, के क्यू टू क्यू थ्री, ठीक है, और आर टू थ्री। अब आपको पता है सारी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, सब कुछ सेम ही सेम है। ठीक है, तो U बराबर के बार आ जाएगा आर वन टू, सब सेम है, आर वन टू आर वन थ्री और आर टू थ्री, सबकी वैल्यू A है। ठीक है, तो इसको A लिख दूंगा और A को बाहर लिख लूंगा, यहां क्या बच जाएगा, क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू थ्री क्यू टू और क्यू थ्री। ठीक है, तो मेरे पास K अपॉन A। अब बताओ Q1 कितना है, तो Q1 की वैल्यू है प्लस Q, Q2 कितना है तो प्लस टू क्यू, फाइन। इसी तरह से Q1 वापस कितना है, Q, Q3 कितना है माइनस फोर क्यू, प्लस Q2 कितना है टू क्यू और Q3 कितना है माइनस फोर क्यू। ठीक है, कर लो इसको, K अपॉन A कितना बचा, टू क्यू स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर माइनस ट्वेल्व सॉरी माइनस एट क्यू स्क्वायर, फोर इंटू टू एट। ठीक है, माइनस का माइनस आ जाएगा, U इक्वल टू के अपॉन ए, एट और फोर माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व में से टू जाएगा तो माइनस टेन क्यू स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज रख देते हैं, K की वैल्यू कितनी बताओ, नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन, नो इंटू दस की घात नौ, A की वैल्यू दे रखी है 0.10, ये माइनस दस इंटू क्यू कितना दे रखा है 10 की घात माइनस सात का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितना बचेगा, 9 इंटू दस की घात 9, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना लग जाएगा, ऊपर कितना लग जाएगा 10 की घात 2, दो जीरो लगेंगे और नीचे बचेगा 10। ठीक है, और ये माइनस दस इंटू दस की घात माइनस 14, देखो 10 से 10 कट रहा है, इस माइनस को आगे लिख लो, माइनस 9, 9 और 2 कितना हो गया 9 और 2 11, पीछे है माइनस 14, तो ये हो गया 9 इंटू 10 की घात 14 में से 11 गया तो माइनस 3, कितना बचा है 9 इंटू 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और ये आंसर जूल में आएगा, किसमें आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं, हो जाएंगे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को आप कॉपी करो, फिर हम इसके नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर थर्ड जो है वो क्या है, आवेश Q, 2Q तथा 4Q को a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोणों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ता है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर लाकर ये आवेश रखना, एक बार क्यू लेके आओगे, एक बार टू क्यू लेके आओगे, एक बार फोर क्यू लेके आओगे, तो इस निकाय के कारण कुल कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल है, देखो आपको कहां से कहा, देखो एक दो और तीन आवेश है, एक से आप दो पे जा सकते हो, एक से तीन पे जा सकते हो, और फिर दो से कहां जा सकते हो, तीन पर जा सकते हो। बस ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, आपके सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, U बराबर देखो कहां से 1 से 2 तक जा सकते हो, 1 से 3 से
और 2 से 3 तक, 1 से 2 पर, 1 से 1 से 2 पर, 1 से 3 पर और 2 से 3 पर, ये तीन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है, सिंपल है, दो आवेशों का कारण कितना होता है, ऊर्जा कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन R, ये कांसेप्ट ध्यान में होना चाहिए, बस ये इतना सा याद होना चाहिए। पहले आप 1 और 2 को देख लो, इसमें कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन, भुजा कितनी है, a। 1 और 3 को देख लो, के Q1 Q2 अपॉन a, और 2 और 3 को देख लो, 2 और 3 के बीच में, के Q1 Q2 अपॉन a, ठीक है। अब क्या कॉमन आ रहा है, k अपॉन a कॉमन आ रहा है, तो यहां हो जाएगा 2q इंटू q, 2q स्क्वायर, यहां हो गया 4q स्क्वायर और यहां हो गया 8q स्क्वायर, ठीक है। तो u बराबर k अपॉन a, ये होगा 14q स्क्वायर, ठीक है, यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। सारी वैल्यू अननोन है, 8 और 4 12 और 2 14 q स्क्वायर, ठीक है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और अगर ये डेटा होता तो इसकी यूनिट होती जूल, ठीक है। ऊर्जा की इकाई क्या लिखोगे आप, जूल में लिखोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, इस पर देखते हैं। आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर तीन बिंदु पर आवेश q 2q और xq रखे हैं, निकाय की स्थैतिक ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान कितना होगा, ठीक है। इसके लिए भी वही कांसेप्ट देखो, 1 2 और 3, 1 से 2 पर, 1 से 3 पर और 2 से 3 पर, सॉल्यूशन देखो। आपको पूछा गया है कुल ऊर्जा देखो, तो 1 से 2 पर जा सकते हो, 1 से 3 पर जा सकते हो, 2 से 3 पर जा सकते हैं, और ये कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर। ये मैं नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो 1 2 के लिए लगाओ k q1, ये मान लो 1 2 और 3, ठीक है, k q1 q2 अपॉन आर प्लस 1 और 3 के बीच में के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, इस तरह से देखो 2 और 3 के बीच में के 2 क्यू एक्स, ये आपका एक्स क्यू है, ठीक है, एक्स वाई नहीं है, एक्स क्यू है, ठीक है, एक्स क्यू है, ठीक है, एक्स क्यू अपॉन आर, और ये कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन में कहा रखा कि इसकी टोटल ऊर्जा 0, तो के अपॉन आर में कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, क्या बचा देखो, तो 2 क्यू स्क्वायर प्लस के आर कॉमन चला गया, एक्स क्यू स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और यहां से क्यू स्क्वायर भी बाहर निकाल लो देखो, ठीक है, के क्यू स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया, तो 2 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, ये टर्म इधर होके मल्टीप्लाई होके 0, तो 2 प्लस 3 एक्स इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू माइनस 3 एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर ये मीटर में दे रखी है तो मीटर लिख लेंगे पीछे, ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 3 होगी, तो इस निकाय की कुल स्थैतिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है इसके, इसे आप कॉपी करो, फिर मैं आगे न्यूमेरिकल करवा देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है, चित्र में दर्शाए अनुसार आवेश डी भुजा वाले वर्ग के कोनों पर, ये डी भुजा वाला कोई वर्ग है, उसके चारों कोनों पर ये चारों आवेश दे रखे हैं, और आपको क्या ज्ञात करना है, तो कह रखा है इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो इन चारों आवेशों को जब आप इन वर्ग के चारों कोनों पर रखोगे तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना, तो वो आपको स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करनी है। और आपको याद होगा कि हमने चार आवेश के निकाय के कारण स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करना सीखा है, ठीक है। तो पहले हम इसका कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देख लो, कुल ऊर्जा जो होगी, देखो मैंने बताया कि 1 से हम कहां जा सकते हैं, 2 पर, 1 से 3 पर और 1 से 4 पर, तो तीन कॉम्बिनेशन, तो ये 1 से 2 पर, 1 से 3 पर और 1 से 4 पर, ये हो गया 1 कंप्लीट। अब देखो 2 से कहां कहां जा सकते हैं, 2 से 3 पर और 2 से 4 पर, ठीक है,
तो 2 से 3 पर और 2 से 4 पर, ये भी कंप्लीट, 1 कंप्लीट 2 कंप्लीट। अब 3 से कहां जा सकते हैं 4 पर, तो ये 3 से कहां जा सकते हैं 4 पर। ये आपके चार आवेशों के निकाय के कारण 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको पता है दो आवेशों के निकाय के कारण ऊर्जा कितनी होती है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो देखो यहां पर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। एक बात और देख लेते हैं, ये अगर आपकी डी है, ये डी है, ध्यान से देखो, ये अगर डी है, ये डी है, तो ये कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2d, डी स्क्वायर तो 2d स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 2d, तो ये वाली जो पुल भुजा आएगी पूरी वाली, ठीक है, ये कितनी आएगी अंडर रूट 2 इंटू डी, और ये वाली भी अंडर रूट 2 इंटू डी। अगर मुझे इतनी सी रिक्वायरमेंट है, सोच के देखो, अगर यहां से यहां तक ही चाहिए तो कितना होगा अंडर रूट 2d अपॉन 2 करेंगे, मुझे इतनी सी चाहिए, ये पूरी तो है अंडर रूट 2d, तो आधी करूंगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2d अपॉन 2, यही होगा ना इसकी आधी, ठीक है। रिक्वायरमेंट होगी तब मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर, 1 और 2 के बीच में देखो, तो के 1 पर है माइनस क्यू, उस पर है प्लस क्यू, के क्यू वन क्यू टू अपॉन, दूरी कितनी दोनों के बीच में डी। अब देखते हैं 1 1 2 होगी, आप देखेंगे 1 3, पहला कंप्लीट है, अब देखेंगे 1 3, तो के 1 पर है माइनस क्यू, 3 पर है माइनस क्यू, और 1 और 3 के बीच की दूरी जो है वो है अंडर रूट 2d, कितनी है अंडर रूट 2 इंटू डी, ये सेकंड कंप्लीट। अब 1 से 4 पे चलो, इन दोनों के बीच में 1 से 4 मैं लिख देता हूं 1 2 3 और ये 4, 1 से 4 के बीच में देखो, के माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डी, हो गया। अब चलते हैं हम ये 2 से 3 पर, कहां से 2 से 3 पर, बीच की दूरी डी है, ठीक है, तो प्लस के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन डी। आगे चलते हैं, अब ये भी कंप्लीट, 2 से 4 पर, 2 से 4 पर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट 2d, तो प्लस क्यू है ना, के प्लस क्यू दूरी हो जाएगी अंडर रूट 2d। अब चलेंगे लास्ट इस वाले कॉम्बिनेशन पे, 3 4 पर, 3 से 4 पर, माइनस क्यू प्लस क्यू और दूरी हो जाएगी d, तो प्लस क्यू माइनस क्यू और दूरी हो जाएगी d, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा, देखो कॉमन आ रहा मेरे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, सब में आ रहा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी जाएगा इसमें से, तो यहां बचेगा -1, यहां से के क्यू स्क्वायर अपॉन डी जाएगा प्लस, है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, तो प्लस अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहां से भी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 जाएगा तो ये माइनस यहां बच जाएगा ना -1, इसमें से भी जाएगा तो क्या बचेगा -1, इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, और इसमें से जाएगा क्या बचेगा -1। आप चाहो तो आराम से करके देख लो, सारे बाहर चले जाएंगे, अंदर क्या बचेंगे -1 1 अपॉन अंडर रूट 2 -1 -1 1 अपॉन अंडर रूट 2 और -1, ठीक है, यही बचा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी -1 -1 -1 -1 -4 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2, यही होगा ना। और आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी -4, और 2 को लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आराम से पहले पढ़ लेते हैं। ये जो कह रहा है, कोई आवेश क्यू नॉट वर्ग के केंद्र ई पर लाया जाता है, किसी आवेश क्यू नॉट को यहां पर लेके आना है, किसी आवेश क्यू नॉट को वर्ग के केंद्र पर लाया जाता है, चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ बने रहते हैं, मतलब ये चारों आवेश ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये चारों आवेश अपनी जगह पर ही बने रहेंगे, आपको एक क्यू नॉट आवेश लेना है और यहां लाके रखना है, इसमें आपको एक्स्ट्रा कितना काम करना पड़ेगा कार्य, वो कार्य आपको ज्ञात करना है। आवेश ऐसे कैसे बने हैं, वो चारों आवेश डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, तो आपको पता है V बराबर क्या होता है W अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट को लेके आयो
तो v तो q नॉट इंटू क्या हो जाएगा v। अब v की जगह v टोटल लिख रहा हूं। सर ये क्यों लिखा आपने? अब v मुझे क्या पता, देखो चार आवेश है तो चारों आवेश के कारण यहाँ v होगा। मतलब क्या कह रहे हो, इस आवेश के कारण भी यहाँ होगा v, सॉरी इस आवेश के कारण यह हो जाएगा 4 है तो v4, ये 3 वाला बिंदु है तो यह इसके कारण यहाँ पर v3, इसके कारण यहाँ v2, इसके कारण यहाँ पर v1, इन चारों आवेशों के कारण इस बिंदु पर क्या होगा विभव होगा। समझ में आ रहा ना, हमें विभव चाहिए तो विभव कौन सा ले, चार आवेश है तो चारों आवेश इस पर बिंदु पर विभव बनाएंगे। देखो तो ये आवेश इस पर विभव बनाएगा के क्यू बाई आर, ये वाली दूरी यूज करेंगे के क्यू बाई आर, ये भी के क्यू बाई आर, ये भी के क्यू बाई आर, ये भी के क्यू बाई आर, तो क्यू नॉट इंटू वी कौन सा हो जाएगा वी वन वी टू वी थ्री और वी फोर। अब देखो वी वन कैसे निकालेंगे, इस आवेश के कारण यहां पर विभव के क्यू बाई आर कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर, आवेश के माइनस क्यू अपॉन ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी है हमारे पास अंडर रूट डी अपॉन टू। अब इस आवेश के कारण यहां विभव तो के प्लस क्यू अपॉन आर, तो अंडर रूट डी अपॉन टू। थर्ड इस आवेश के कारण यहां विभव तो k माइनस क्यू, दूरी हो जाएगी अंडर रूट टू डी अपॉन टू। फिर इस आवेश के कारण यहां विभव तो k प्लस क्यू अंडर रूट टू डी अपॉन टू, सही है। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो w कितना आ गया बताओ जीरो, तो कुल कार्य कितना आ गया जीरो हो गया, ठीक है ना। हमें इस क्यू नोट आवेश को इस केंद्र पर लाके रखना था और आपको कितना कार्य ज्ञात करना है यह ज्ञात करना था, तो हमें पहले देखना होगा कि इस बिंदु पर विभव कितना होगा। तो पहले मेरे पास आवेश चार है तो चारों आवेश के कारण यहां विभव निकालूंगा, तो इन चारों को एड कर लेंगे, क्यू नोट बाहर रह जाएगा, वैसे सारे कट रहे जीरो आ गया, तो कुल किया गया कार्य कितना होगा जीरो होगा। वैसे ही पता चल रहा हमें ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है तो सारा नेट इफेक्ट यहाँ पे जीरो ही होगा, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा तो विभव भी जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। अब देखिए जो न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट है ये क्या कह रहा है, दो आवेश प्लस 7 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 2 माइक्रोकुलाम जो क्रमशः माइनस 9 सेंटीमीटर 00 तथा प्लस 9 सेंटीमीटर 00 पर स्थित है, के निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, इस निकाय की स्थैतिज ऊर्जा ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोनों आवेश को परस्पर अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो दो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्या कह रहा है ये, दो आवेश है इस तरह से कुछ मान लेते हैं, एक पड़ा हुआ प्लस 9 पर, कहां पड़ा हुआ है देखो x पर 9 है y z 00 है तो 900, ठीक है, ये b बिंदु मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं मूल बिंदु 00, एक पड़ा हुआ है माइनस 900, ये वाला a बिंदु मान लेते हैं। अब 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, तो कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 18, और ये किसमें दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 × 10^-2 मीटर, कोई दिक्कत है क्या, यहां से यहां तक की 9 ये 9 तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 18, ठीक है। तो जब आपने अब एक पर रखा हुआ है देखो प्लस 7 माइक्रोकुलाम और एक पर रखा गया है माइनस 2 माइक्रोकुलाम, ये आवेश की स्थितियां दे रखी है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्थैतिज ऊर्जा ज्ञात करो, क्या पूछा है स्थैतिज ऊर्जा, तो आपको पता है दो आवेशों की स्थैतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसे, स्थैतिज ऊर्जा, ठीक है, आपको याद होगा अच्छे से के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, यही होता है, के कितना है 9 × 10^9। अब क्यू वन और क्यू टू माइक्रोकुलाम में है तो क्यू वन दे रखा है प्लस 7 माइक्रोकुलाम, तो इसको कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे 7 × 10^6 कुलाम, और क्यू टू दे रखा है −2 × 10^6 कुलाम, ठीक है, तो माइक्रो कुलाम को कुलाम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो 7 × 10^-6 और यहां पर हो जाएगा −2 × 10^-6, दूरी कितनी है 18 × 10^-2, ठीक है। अब देखो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो −18,
10 की घात 9 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 नीचे 18 इंटू 10 की घात माइनस, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया तो ये बच गया 10 की घात 12 में से 9 गया तो माइनस 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 10 की घात माइनस, ठीक है। और कुछ बचा क्या, एक 7 और बचा हुआ, ठीक है मैंने भूल गया लिखना है 7, ठीक है इंटू 7 ये कितना हो जाएगा माइनस 7 इंटू 10 की घात माइनस 1 तो माइनस 7 अपॉन 10 और ये हो जाएगा माइनस 0.7 जूल, ये हो जाएगा इसका आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर। के Q1 Q2 अपॉन R करना है, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है कोई गलती नहीं हो जाए, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब बोला गया इन दोनों आवेशों को अनंत दूरी तक ले जाए, इस आवेश को भी कहां लेके जाए अनंत पर लेके चले जाए, इसको प्लस 7 माइक्रोकूलम को इस ए से कहां पर अनंत पर, ठीक है। इसी तरह से इसको भी कहां लेके जाए अनंत पर लेके जाए कहां से बी पर, ठीक है माइनस 2 माइक्रोकूलम। तब आपको कितना कार्य करना पड़ेगा इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, कहां ले जाना है अनंत तक ले जाना है। आपको पता है अभी इनकी ऊर्जा कितनी है U1 बराबर कितनी आ रखी है माइनस 0.7 जूल, ठीक है ये आपकी U1 हो जाएगी। और आपको अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है, फिजिक्स में अनंत पर ऊर्जा जीरो डिफाइन है, जीरो बोला गया, ठीक है कि आवेश की अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है जीरो होती है। आपसे पूछा कितना कार्य करना पड़ेगा तो ये होता है अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय 11वीं क्लास में कभी पढ़ेगी हो तो, ठीक है तो बाकी चलने, ठीक है। तो अनंत पर कितना हो जाएगा जीरो, और पहले कितनी थी 0.7, तो कितना कार्य करना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस 0.7 जूल, इतना कार्य आपको करना पड़ेगा इन दोनों को अनंत तक दूर विस्थापित करने के लिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे आप कॉपी करो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं आपको। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन आवेश Q2Q और A2Q को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर ले जाना है, इन आवेशों को कहां रखें ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहे। आपको एक 9 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा है, कितनी 9 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा है, इस रेखा पर इन तीनों आवेशों को व्यवस्थित करना है। और हम इन तीनों आवेशों को कहां कहां रखें कि इनकी जो ऊर्जा है वो न्यूनतम रहे, ठीक है ये क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या कंसेप्ट ध्यान में रखना है, देखो वो तीनों आवेश सजातीय आवेश है, प्लस क्यू सबका आवेश की प्रकृति कौन सी है धनात्मक है। आपको पता है कि धनावेश तो वैसे ही प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं धनावेश तो वैसे भी एक दूसरे के दूर जाने का प्रयास करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और उनकी ऊर्जा क्या होती है कम होती है। तो हम ऐसा क्या करें, तो आपको क्या करना है जो ज्यादा परिमाण वाले आवेश हैं, जो ज्यादा परिमाण वाले आवेश हैं उनके मध्य की दूरी सबसे अधिकतम रखी जाए ताकि उनके मध्य में लगने वाला प्रतिकर्षण बल कम हो जाए और आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाए न्यूनतम हो जाए। जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा जितना बल उतनी स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा चाहिए तो हम चाहते हैं कि हमको कम बल कार्य करे। तो देखो हम क्या करेंगे, ज्यादा परिमाण कौन सा हो गया 2Q, 8Q और Q में से, तो ये दोनों ज्यादा परिमाण वाले हो गए, तो प्लस 2Q को और प्लस 8Q को कहां रखेंगे, दोनों कॉर्नर पर रखेंगे। और तीसरा आवेश आप कहीं पर भी रख दो बीच में, मान लेते हैं तीसरा आवेश जो क्यू है वो आपने यहां पर रख दिया। देखो अब इनके मध्य दूरी बढ़ जाएगी, परिमाण ज्यादा है पर दूरी भी ज्यादा है तो प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा, और कम परिमाण वाले आवेश को कहां रखेंगे बीच में कहीं पर रेखा पर रख देंगे जिससे इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाए न्यूनतम हो जाए। तो मैं इस तीनों आवेश की स्थितियां ज्ञात करना चाहता हूं, एक आवेश को मैंने यहां रख दिया जीरो पर, एक आवेश को मैंने 9 सेंटीमीटर पर रख दिया, अब ये जो तीसरा आवेश है इसको मैं कहां पर रखूं, तो मैं एक दूरी मान लेता हूं एक्स और ये हो जाएगी 9 माइनस एक्स, ये सारी सेंटीमीटर्स में है तो अगर x सेंटीमीटर दे रखा है x सेंटीमीटर तो मीटर में बदलना है तो x की घात माइनस 2 मीटर कितना हो जाएगा, x की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको कोई तीन आवेश दे रखे हो और समान प्रकृति के हो और आप चाहते हो कि तीनों की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहे तो आपको उन आवेशों को कहां रखना चाहिए,
तो जो बड़े परिमाण वाले आवेश है उनके मध्य दूरी अधिकतम रखी जाएगी, और जो तीसरा कम परिमाण वाला आवेश होगा वो उनकी मिलाने वाली रेखा पर आप कहीं पर भी विस्थापित कर दोगे, और वो दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमको तीसरा आवेश कहां रखना है वो हम अभी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी आपके पास तीन आवेश वाला कॉम्बिनेशन हो गया। देखो क्या हो रहा है, 1, 2 और 3, 1 से 2 पर जा सकते हैं, ध्यान से 1 से 3 पर जा सकते हैं और 2 से 3 पर जा सकते हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 1 से 2 पर, 1 से 3 पर, फिर कहां से कहां, 2 से 3 पर। अगर तीन आवेश होते हैं तो ये तीनों कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, त्रिभुज वाले जो क्वेश्चन किए थे ना वो इसी तरह से कुछ बने थे। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले वाली ऊर्जा बताओ 1 और 2 के बीच में, ठीक है, ये आपका 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। 1 और 2 कितना हो जाएगा, k आवेश हो गया 2q, दूसरा आवेश हो गया q और दूरी होगी x, सेंटीमीटर में, मीटर में बदलोगे तो 10^-2, ये हो गया 1 और 2 के लिए। अब 1 और 3 के लिए देखो, 1 और 3 के लिए कितना हो जाएगा, k 2q इंटू 8q अपॉन दूरी कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर 10^-2। अब 2 और 3, ठीक है, ये वाला दोनों 2 और 3 में बताओ, पहला आवेश हो गया q, दूसरा आवेश हो गया 8q और अपॉन कितना हो गया बताओ, 1, 2 और 1, 3, ठीक है, q 8q और इन दोनों के बीच की दूरी होगी 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कितना हो रहा है, k 2q स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 10^-2 के 16q स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10^-2 और ये हो जाएगा k 8q स्क्वायर इंटू 9 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी 9 ये 10^-2, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते पता ही है। ये मेरे पास टोटल ऊर्जा आ रही है, हमको क्या चाहिए बताओ, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, क्या चाहिए मुझे, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा चाहिए। तो देखो बाकी 9 सेंटीमीटर तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, बदलने वाला वेरिएबल जो बदल रहा है। तो अगर आपको न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, du अपॉन dx को क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। u किस पर निर्भर, अभी x जो है इस वाली क्वांटिटी में x वेरिएबल है, x बदल रहा है, तो मुझे जो चर राशि है, जो बदलने वाली राशि है, उसके सापेक्ष में अवकलन करेंगे और 0 के बराबर रख देंगे तो हमको न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो हम रखते हैं 0 के बराबर, सब में इसमें कॉमन क्या आ रहा बताओ, एक तो k q स्क्वायर इंटू 10^-2, k q स्क्वायर अपॉन 10^-2, यहां बचा 2 अपॉन x बच रहा है। अब देखो यहां पर क्या बचा है, k q स्क्वायर तो 16 अपॉन 9, यहां क्या बचा है 8 अपॉन 9 माइनस x बराबर 0, ये क्वांटिटी उधर जाएगी 0 हो जाएगी, तो है ना, मैं du by dx नहीं लिखा ना, ये d by u की वैल्यू ये थी इक्वल टू 0, फाइन, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, d by dx u की वैल्यू रखी है, ये u की वैल्यू, इसको बाहर निकाल लो, उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो निकाल लेते हैं हम चाहे बाहर, 10^-2 अपॉन क्या बचेगा, या इंडिविजुअल सब पे d by dx 2/x, d by dx 16/9, d by dx 8/9 - x इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी उधर जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब क्या बचा देखो, फाइनली d by dx 2/x, d by dx 16/9 और d by dx 8/9 - x इक्वल टू 0, ठीक है, हमें अल्टीमेटली x निकालना है, दो कॉन्स्टेंट है, दो को बाहर निकाल लो, d by dx
वन अपॉन एक्स बचेगा, एक्स को ऊपर ले जाओ, एक्स की घात माइनस एक्स, कितनी बचेगा, एक्स की घात माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, किसी कॉन्स्टेंट 16 बटे 9 क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, बदलता नहीं है, है ना, अचर है, अचर का अवकलन कितना होता है, जीरो, इसमें 8 को बाहर निकाल लो, डी बाई डी एक्स है और 9 माइनस एक्स है, 9 माइनस एक्स को ऊपर ले जाओ तो 9 माइनस एक्स की घात माइनस एक्स बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की घात वन कितना होता है, वन एक्स एन एक्स, एक्स की घात एन कितना होता है बताओ, एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की घात एन, तो एन एक्स एन माइनस वन, यहां पर देखो दो तो बाहर रहेगा, यहां पर एन कितना है माइनस वन, तो एन एक्स एन माइनस वन खत्म, यहां पे आ जाओ। अब देखो एक बार हाल फिलहाल इस नो माइनस एक्स को सिर्फ एक्स मान के देखो, इसको कुछ मत समझो, ये मानो सिर्फ ये एक्स है। अगर आपने चेन रूल पढ़ा हो, ठीक है, चेन रूल, मैं 11th क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं कल से, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो आप मेरी 11th क्लास की वीडियोस जरूर देखना, मैथमेटिकल टूल के कुछ लेक्चर बनेंगे 5-7 लेक्चर, उनको ध्यान से देखना, तो आपकी मैं आपको अवकलन और समाकलन सिखा दूंगा। चेन रूल में क्या होता है, इसको एक्स मान लो, इसको सिर्फ एक्स मान के देखो, तो एक्स की घात एन का क्या होता है, एन एक्स, आपने इसको एक्स माना, एन एक्स एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, मगर ये एक्स नहीं था, ये क्या था, नाइन माइनस एक्स, तो इसका और बाकी रह गया। इस तरह से किया जाता है चेन रूल, आठ का तो हो गया आठ, इसको एक्स मान लो एक बार, एक्स की घात एन का क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, मगर ये एक्स नहीं है तो एक्स का बाकी है, तो इस वाले पार्ट का भी और कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ नाइन माइनस एक्स का बाकी रह गया, इसको वापस कर लो, ठीक है, इसको हम चेन रूल श्रृंखला नियम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। देखो इसको हो गया माइनस दो एक्स माइनस दो, ये हो गया मेरे पास आठ माइनस एक, नो माइनस एक्स माइनस दो, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ नो कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ नो कॉन्स्टेंट है जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है बराबर जीरो, ठीक है। ये माइनस दो ऊपर, एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ, ये माइनस वन और ये माइनस वन, प्लस का वन, आठ ऊपर ले जाएगा, नो माइनस एक्स को नीचे लाओ तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मैंने इसको कर लिया, इस दो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो आठ अपॉन नो माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस को उधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा बताओ, चार अपॉन नो माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये बच गया वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चार एक्स स्क्वायर और नाइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं टू एक्स का होल स्क्वायर, इधर लिख रहा हूं नाइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो मैं इधर कर रहा हूं इसको, ठीक है, दैट इज टू एक्स बराबर नाइन माइनस एक्स, इसको इधर ले आओ, ये हो गया थ्री एक्स बराबर नाइन, एक्स बराबर नाइन बटा थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है, थ्री सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो इस पर स्क्वायर हटा के प्लस माइनस में भी करोगे, और माइनस वाली वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, और मैंने डायरेक्टली स्क्वायर से इनको स्क्वायर को हटा दिया है, ठीक है, मगर इसका जो एक्चुअल सही मेथड होता है वो क्या होता है, जैसे यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा ना, यहां से नाइन माइनस एक्स पर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर लगेगा प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट टू एक्स आ जाएगा, ठीक है, और फिर आप एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखोगे, दोनों आंसर आएंगे, फिर हम लिख देंगे कि माइनस की वैल्यू होती है वो इधर आएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये वाला आवेश जो है ये इधर तो नहीं हो सकता, तो वैल्यू आपको यहां से हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है, तो ये वैल्यू हमारे लिए पॉजिटिव कंसिडर होगी और ये वाली नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव में तो ये क्यू आवेश हो नहीं सकता, तो हम पॉजिटिव वाली को कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज क्या बताया है, मैंने आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, एक दो न्यूमेरिकल कुछ बाकी रह गए होंगे, तो वो बिल्कुल उसी टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो हम करवा चुके हैं, ठीक है, तो सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल को अगर दो दे रखे हैं तो उसको मैं एक बार ही करवा रहा हूं, ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, दोनों लेक्चर को साथ में देखें, है ना,
जो आज का लेक्चर 3.11 और 3.12 इन दोनों लेक्चर को एक ही सीक्वेंस में एक साथ देखें, ठीक है। पहले लेक्चर में डेरिवेशन है और दूसरे लेक्चर में उस पर न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। अब इस चैप्टर पे तीन क्लासेस और हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है, जिसमें हमको डाइपोल की स्थिति ऊर्जा पढ़नी है, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पढ़नी है, ठीक है। तो दो क्लासेस मैक्सिमम और होगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहना। नोट्स वैसे भी मैं आपको सबको भेज रहा हूं जो भी मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग घर पे रहिए। स्कूल शायद हो सकता है 23 सितंबर या 21 सितंबर से ओपन हो जाए, वो भी उसमें भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कि जहां पर पेरेंट्स अलाउ करेंगे वही स्टूडेंट स्कूल जा सकते हैं। तो हो सकता है ये सितंबर महीना भी पूरा ऐसे ही चला जाए। और जहां तक सिलेबस की बात है कि कितना सिलेबस कम हुआ है, तो सीबीएसई का सिलेबस जो कम हुआ है वो उसका अपडेट आ गया है, मगर आरबीएसई का अपडेट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और आप ये मत सोच लेना कि सिलेबस कुछ ज्यादा कम हो गया, बहुत कम टॉपिक जो है वो काटे गए हैं, ठीक है। तो आपको लगभग पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। एक चैप्टर में से एक या दो, एक यूनिट में से कुछ दो या तीन टॉपिक जो है उसको माइनस किया गया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको बहुत हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बार आप टीचर के गाइडेंस से अलग होके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, तो काफी प्रॉब्लम भी आ रही होगी, मगर आप एक वीडियो को दो बार देखे समझने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उस जहां से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, तो आप मुझसे पूछो, मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर कुछ चैप्टर हो जाए उसके बाद उनके सारे डेरिवेशन का एक बार रिवीजन करवा दो। देखो रिवीजन जो होगा वो सिलेबस के बाद में होगा, और जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद शायद मैं लाइव की सारी अरेंजमेंट कर लूंगा, तो रिवीजन क्लासेस हम लाइव पे ही पढ़ेंगे, जहां आपके सारे डाउट्स कुछ भी होगा वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आके पढ़ाया करूं, ठीक है। अगर मेरे पास इक्विपमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएगी तो मैं आपको लाइव आके भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। मगर तब तक आप ये रिकॉर्डेड वीडियोस को अच्छे से पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम आए तो आप जरूर कंसर्न करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।